जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने सुरक्षित भोजन व स्वस्थ आहार के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक लेते हुए समय समय पर संयुक्त चेकिंग अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों की भी सैंपलिंग की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को उचित पोषक तत्व मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला अभिहित अधिकारी को निर्देश दिए कि किसी भी खाद्य सामग्री में मिलावट न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, साथ ही मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। जिलाधिकारी ने बाहरी जनपदों से आने वाले दुग्ध पदार्थ, आनंदा, आंचल, अमूल व अन्य उत्पादों की भी नियमित जांच करने के आदेश दिए। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट, पूर्ति निरीक्षक बबलू पांडे आदि मौजूद थे। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।